अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अपने VLC मीडिया प्लेयर के अंदर आप CCTV की जो फुटेजेस हैं वो आप चला सकते हैं। बाज़ फाइल्स ऐसी होती हैं CCTV की जो कि आम तौर पर VLC के अंदर नहीं चलती और दूसरे किसी भी मीडिया प्लेयर के अंदर नहीं चलती। तो ये मेरे पास CCTV की एक फ़ाइल है, ये मैं आपको आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ आपको। VLC में ये देखें, VLC में ओपन किया है लेकिन नहीं चला। ये देखें, ये इस तरह से इसने मूविंग स्टार्ट कर दी और ये अभी नहीं चला। तो ये किस तरह से चलेगा मैं आपको इसका तरीक़ाकार बता देता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पर VLC ओपन करें। VLC ओपन करने के बाद अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने हैं और प्रेफरेंसेस के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पे आ जाना है। ये सिंपल है। इसके साथ यहाँ पर आपने ऑल को सिलेक्ट कर देना है शो सेटिंग में, ठीक है। ऑल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है डीमक्सर्स के अंदर। ये देखें, ये डीमक्सर पर जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर ऑटोमेटिक है, ठीक है। ऑटोमेटिक को आपने यहाँ से चेंज करना है और आपने यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये देखें, ये है H264 वीडियो डीमक्सर, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सेव करना है, उसके बाद आपने VLC को क्लोज़ कर देना है। और अब दोबारा से उसी वीडियो को मैं वहीं से प्ले करता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने वीडियो जो है प्ले हो गई है। वही सेम वीडियो है, CCTV की DAV फाइल है, तो ये रन हो गई है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि ये फिर दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप कोई और टाइप की वीडियो MP4 वगैरह चलाना चाहते हैं, तो वो नहीं चलेगी जब तक आप उसको दोबारा ऑटोमेटिक नहीं कर देंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।